मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिखर, आज मैं आपको मेक्यावली आधुनिक युग का जनक, मेक्यावली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताऊंगा, अपन चर्चा करेंगे। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि मेक्यावली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मेक्यावली से प्रारंभ होता है और इसके साथ ही मध्य युग का अंत हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग की तीन विशेषताएं थीं, सामंतवाद, पोपतंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य। मेक्यावली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था तथा वह केवल राष्ट्र राज्य को ही मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानता था। आधुनिक युग की वो विशेषताएं जिनकी झलक मेक्यावली की विचारधारा में देखने को मिलती है और जिसके आधार पर उसे आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है, वो इस प्रकार से हैं। नंबर एक, राष्ट्रीय राज्य का संदेश वाहक। आधुनिक युग के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, पवित्र रोमन साम्राज्य तथा पोप तंत्र दोनों की शक्ति तथा सम्मान कम हो गया और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया, जैसे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड। मेक्यावली इनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता था। आधुनिक युग में प्रत्येक विचारक ने राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया है, जिसमें मेक्यावली सर्वप्रथम था। दूसरा, राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। अरस्तु के बाद मेक्यावली सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। मेक्यावली ने एक प्रकार से राज्य को साध्य ही बना दिया है। उसने ही सबसे पहले ये बताया कि राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है जिसकी अधीनता से ही अन्य संस्थाएं और संगठन फल फूल सकते हैं। नंबर तीन, राज्य की प्रभु सत्ता का पोषक। सेवाइन के अनुसार सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ। मेक्यावली के समय से ही राज्य संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। नंबर चार, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण। मेक्यावली ने ही सर्वप्रथम निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ घोषणा की थी कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकता अनुसार उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। उसने कहा कि धर्म और नैतिकता व्यक्तिगत क्षेत्र में
आराम से रह सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में तो इन्हें राजनीति की चेरी चेली या दासी बनकर ही रहना होगा। अगला, शक्तिवादी राजनीति के प्रेरणेता। आधुनिक युग की एक विशेषता शक्तिवादी राजनीति, जिसको पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है, और इस शक्तिवादी राजनीति का प्रारंभ मैकियावेली ने ही किया है। मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया है और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की है। उसके अनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। व्यक्तिवाद के समर्थक। आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा है। आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापार वाणिज्य और उद्योग का प्रसार हो रहा था और ये विचारधारा बल ग्रहण कर रही थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैकियावेली ने भी शासक को परामर्श दिया कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाए तथा व्यापार वाणिज्य के चक्कर में एक राजा को नहीं पड़ना चाहिए। एक, उन्होंने रोमन चर्च के प्रभाव से मानवीय व्यक्तित्व को मुक्त कर पुनर्प्रतिष्ठित करने की चेष्टा कर व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। आगे, संघ राज्य के प्रथम विचारक। मैकियावेली ने इटली के लिए कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार रखा। उसका कहना था कि एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित कर उन्हें अपने अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघराज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक व्यवहारिक होती है। आगे, आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। मैकियावेली ने तात्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन, पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धतियों के आधार पर निष्कर्ष निकाले, जो कि आधुनिक युग की अध्ययन पद्धतियों के लक्षणों से युक्त हैं। और सबसे अंत में, भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक। उन्होंने मानव को इहलौकिक सुख की ही कामना करनी चाहिए का ही परामर्श दिया था। और अंत में हम मूल्यांकन के रूप में, उपसंहार के रूप में ये कह सकते हैं कि यद्यपि कहीं कहीं मैकियावेली की विचारधारा में मध्य युग के विचारों का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, किंतु उसके राजनीतिक दर्शन में आधुनिक युग की प्रवृत्तियां ही प्रबल हैं और उसे बहुत कुछ सीमा तक
सत्य रूप में आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है। आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।